दोस्तों आज के वीडियो में हम सोल लैंड के आगे की नॉवल की कहानी को डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं। इस वजह से आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। जिन लोगों ने अभी तक इसकी पिछले पार्ट को नहीं देखा है वो लोग जाकर जल्दी से उस पार्ट को भी देख लीजिएगा, वो चैनल पर अवेलेबल है। हमारा एपिसोड वहीं से स्टार्ट होता है जहाँ पर डीप सी डेमोनिक वाले किंग अपनी दोनों हैमर से टेंशन पर लगातार अटैक कर रहा था, जिसकी वजह से टेंशन को उसकी अटैक को होल्ड करने में थोड़ा मुश्किल हो रहा होता है, जिसकी वजह से टेंशन छुपाने के लिए अपनी वेस्ट सी बैरियर का यूज करता है और इस बैरियर का यूज करते हुए अपनी बॉडी के साथ अपनी औरों को भी छुपा लेता है। इधर हम डीप सी डेमोनिक वाले किंग को देखते हैं जो टेंशन को ढूंढने की बहुत कोशिश करती है लेकिन टेंशन उसे कहीं पर भी नहीं मिलता है। इधर हम टेंशन को देखते हैं जो छुपकर अपनी हैमर और 8 स्पाइडर लांस को वापस ले लेता है और उसी के साथ ही टेंशन अपनी ट्राइडेंट से अटैक करना शुरू कर देता है। इसके साथ ही डीप सी डेमोनिक वाले किंग अटैक के साथ साथ एक प्रकार का मेंटल वेब भी बना रखा होता है ताकि इसमें टेंशन को फंसा सके, लेकिन टेंशन भी उसकी जाल से बचकर निकल रहा होता है। उसी के साथ अपनी हैमर को स्विच करते हुए ब्लू सिल्वर एम्परर को रिलीज कर देता है और डेमोनिक वाले किंग से बच जाता है और साथ ही मा होंगयुंग के पास पहुंचता है, जिसके साथ जैसे ही टेंशन मा होंगयुंग के पास पहुंचता है तो उसी के साथ ही डीप सी डेमोनिक वाले किंग अपने लेफ्ट हैंड की हैमर को टेंशन की ओर फेंकता है, जिसे देखते ही टेंशन तुरंत ही अपनी ट्राइडेंट की फर्स्ट टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए डीप सी डेमोनिक वाले किंग के अटैक को रोकने लगता है। ये देखकर डेमोनिक वाले किंग नहीं रुकता, तुरंत ही अपनी राइट हैंड की हैमर को भी फेंकता है, लेकिन इस बार टेंशन पर नहीं बल्कि रोंग रोंग की ओर फेंका था क्योंकि वो रोंग रोंग की बूस्ट पावर को समझ चुका था। इसके साथ ही टेंशन ने तुरंत ही मा होंगयुंग ने भी तुरंत ही फीनिक्स फायर को 8 स्पाइडर लांस की ओर भेजता है, जिसे 8 स्पाइडर लांस ने तुरंत ही अपने नुकीले हिस्से में सील कर देता है। वही रोंग रोंग के ओर जा रही अटैक के लिए डाई मुंबई और कैट गर्ल सॉसेज को खाते हुए अटैक को डोज करने के लिए तैयार होते हैं। हेल व्हाइट टाइगर ने अपनी विंग्स फैलाए अटैक के सामने आ जाते हैं, जिससे हेल व्हाइट टाइगर तो बिखर जाता है, साथ ही वो हैमर का अटैक भी बेकार हो जाता है, जिस कारण से रोंग रोंग को इस अटैक से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिसके साथ ही टेंशन डीप सी डेमोनिक वाले किंग से कहता है, तुम्हारा अपोनेंट में हूँ। ये कहते ही टेंशन अपनी ब्लू सिल्वर एम्परर को स्विच करते हुए अपनी हैमर को बाहर निकाल लेता है और अपनी हैमर की 6 सोल रिंग में एक साथ विस्फोट करता है, जिसके साथ जैसे ही टेंशन 6 सोल रिंग में एक साथ विस्फोट करता है तो उसी के साथ ही डार्क गोल्डन लाइट हैमर में पूरी तरह से कंडेंस होने लगती है। साथ ही टेंशन के पीछे एक रेड कलर की फिगर दिखाई देता है। दरअसल टेंशन के 6 सोल रिंग में एक साथ विस्फोट करने के कारण एक भयानक एनर्जी निकलती है जो डेथ गॉड डोमिन के साथ मर्ज होने लगती है। उसी के साथ एक भयानक किलिंग इंटेंट दिखाई दे रहा होता है, जिससे डीप सी डेमोनिक वाले किंग का दिल कांप जाता है, जिसके साथ ही टेंशन अपनी सी गॉड ट्राइडेंट को 8 स्पाइडर लांस की हेल्प से होल्ड करते हुए अपनी दोनों हाथों से हैमर को पकड़ता है। ये देखकर डीप सी डेमोनिक वाले किंग भागने के बारे में सोच रहा था, वो भी टेंशन के पागलपन को देखकर डर चुका होता है। इतनी भयानक किलिंग इंटेंट के साथ टेंशन एक डेविल गॉड की तरह दिख रहा होता है, यहाँ तक टेंशन के बाल भी डार्क रेड कलर के हो जाते हैं। इस एनर्जी ने आसपास का मौसम को भी बदल दिया होता है। ये कुछ ऐसा अटैक होने वाला था जिसे केवल गॉड ही कर सकते हैं। ये देखकर सभी लोग हैरान होते हैं, यहाँ तक कि टेंशन के आसपास की ब्लड रेड एनर्जी से रोंग रोंग के बूस्टर लाइट भी टेंशन तक नहीं पहुँच रहे होती है। इसे ऐसा समझ सकते हैं, गॉड लेवल के अटैक को कोई इंसान बूस्ट नहीं कर सकता है। अभी की स्थिति में टेंशन पूरी तरह से गॉड की लेवल में है। टेंशन ने ऐसा पहले ब्लू सिल्वर एम्परर के साथ किया था लेकिन उसका इफेक्ट ऐसा नहीं था। इस बार हैमर की रिंग में विस्फोट किया गया है। इस एनर्जी से टेंशन को भी ऐसा लग रहा होता है कि जैसे कि उसके दिमाग में सी गॉड लाइट को निकाल रहा है। टेंशन सिर्फ अपने ही आवाज को सुन सकता था, जिसके साथ ही डीप सी डेमोनिक वाले किंग ये देखकर अटैक के लिए तैयार हो जाता है। हम देखते हैं उसने अपनी दोनों हाथों को दिल पर रख लिया, अपनी हथेलियों को उस जेम पर रखता है जिससे चेस्ट पर एक भंवर दिखाई देता है, साथ ही एक भयानक एनर्जी निकलती है और विस्फोट की आवाज के साथ आमा फट जाता है। इसी के साथ वो पर्पल भंवर फिर से दिखाई देता है। ये देखकर सभी की धड़कन तेज हो रही होती है,
डीप सी डेमोनिक वाले किंग भी अपनी लाखों कल्टीवेशन को जलाते हुए भयानक अटैक कर सकता है। सभी जान चुके थे अंतिम समय आ गया है। टेंशन की रेड लाइट आगे बढ़ती है। भयानक रूप से हैमर को स्विंग करता है। ये देखने में ऐसा लग रहा होता है जैसा कि टेंशन ने अपनी काफी बड़े शैडो के साथ हैमर को पकड़ा हुआ है। हैमर के स्विंग के साथ पीछे मैजिकल पैटर्न दिखाई दे रहा होता है। इस बार वास्तव में ये पैटर्न 200 मीटर की डायमीटर में होता है। टेंशन के ये पूरी ही पावर डेथ गॉड डोमिन की सेकंड स्टेज तक इन्वॉल्व होने के कारण होती है। इसी के साथ डीप सी डेमोनिक वाले किंग के शैडो भी दिखाई देता है। इस बार उसकी पूरी ही बॉडी काफी बड़ी पर्पल भंवर में पट जाती है। डीप सी डेमोनिक वाले किंग ने भी अपनी पूरी ही एनर्जी को लगा दिया होता है, जिसके साथ ही हम देखते हैं कि रेड लाइट और पर्पल लाइट दोनों ही टकरा जाते हैं। ये टक्कर इतनी भयानक होती है कि समुद्र के लहरें भी उठ जाते हैं। इस विस्फोट के कारण सभी लोग पीछे जाकर के गिरते हैं। इसके अलावा सीओ बाई भी कांप जाती है और इस विस्फोट को ब्लॉक नहीं कर पाती और पीछे जाकर गिरती है। सब कुछ रुक गया। वो भयानक रेड ऑरा और पर्पल कलर एक ही पॉइंट में कंडेंस होते हैं और वैलेंट तरीके से खत्म हो जाते हैं। उस विस्फोट के कारण समुद्र की लहरें 100 मीटर तक उठ जाते हैं। सूरज भी दिखाई नहीं देता है। इस एनर्जी ने लगभग पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया होता है। यहाँ तक कि दूर कड़े क्वीन रेंक्सु भी इस एनर्जी को महसूस कर रही होती है। वह काफी बड़ा रेड शेडो डिसअपीयर्ड हो जाता है। साथ ही डीप सी डेमोनिक वाले किंग के पर्पल शेडो भी बिखर गई होती है। हम देखते हैं कि टेंशन के हाथ से हैमर भी गायब हो जाता है। वह इस वैलेंट अटैक से नहीं बच सका। इधर हम देखते हैं कि डीप सी डेमोनिक वाले किंग का आर्म बिखर जाता है। उसकी बॉडी लगातार कांप रही होती है। वही हम टेंशन को देखते हैं। उसकी मुंह और कान से भी ब्लड बह रहा होता है और बहते हुए समुद्र में गिर रहा होता है। प्रत्येक ब्लड की ड्रॉप गिरने के साथ किसी बम की तरह विस्फोट कर रही होती है। टेंशन डीप सी डेमोनिक वाले किंग की तरह कांप नहीं रहा था। हालत तो खराब थी लेकिन आंखों में डर बिल्कुल भी नहीं होता है। डीप सी डेमोनिक वाले किंग के हालत टेंशन से कुछ अच्छी है, लेकिन उसे इस तरह के डर तब लगा था जब सी गॉड ने उसकी आंख तोड़ी थी। इस विस्फोट के कारण टेंशन के चारों अंगों टूट गए होते हैं, जिसके साथ ही टेंशन तुरंत कैटरपिलर सॉसेज को खा लेता है और ठीक होने का इंतजार नहीं किया आगे बढ़ता जाता है। चलना तो मुश्किल था लेकिन हिम्मत करके आगे बढ़ने लगता है। तभी अपनी आँखों को खोलते हुए पर्पल गॉड लाइट से डीप सी डेमोनिक वाले किंग की ओर अटैक करता है। इधर डीप सी डेमोनिक वाले किंग इस अटैक को रोकने के लिए अपनी फोरहेड के सामने वेब बनाते हुए रोकने की कोशिश करता है। और इतना कहते ही आज का हमारा एपिसोड इन पर एंड हो जाता है।